लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री राम अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के निर्देशानुसार आज दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को उप जिलाधिकारी बरहज, क्षेत्राधिकारी बरहज एवं तहसीलदार बरहज देवरिया द्वारा कुख्यात अपराधी वृद्धि चंद्र यादव पुत्र राधा यादव निवासी मईलोटा थाना मईल जनपद देवरिया के दो मंजिला मकान जो उसके द्वारा अपने अपराध से अर्जित धन द्वारा बनवाया गया है तो प्रभारी निरीक्षक भलुअनी थाना अध्यक्ष मईल स्थानीय कानून को लेखपाल एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुनादी कराकर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। यह कुर्की की कार्रवाई श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद देवरिया के आदेश संख्या 1854/4/2022 वार्ड संख्या 1440/2022 सरकार बनाम वृद्धि चंद्र यादव पुत्र राधा यादव के अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई है। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त गैंग लीडर वृद्धि चंद्र यादव पुत्र राधा यादव निवासी मईलोटा थाना मईल जनपद देवरिया का एक संगठित गिरोह है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। यह गिरोह अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु सामूहिक रूप से अवैध तरीके से दूसरे की भूमि कब्जा करते हैं जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 8/10/22 को गैंगस्टर हेड के कुख्यात अभियुक्त वृद्धि चंद यादव पुत्र राधा यादव निवासी मईलोटा थाना मईल जनपद देवरिया के 45,84,000 की अचल संपत्ति गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई है। अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार बरज देवरिया को नियुक्त किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना मईल में दूसरों की जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी मांगने ना देने पर जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराध कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं।